नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नए सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज को लेके आने जा रहे हैं, जिसका टोटल सिलेबस, जिस सिलेबस को हम फॉलो करेंगे, वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उसी सिलेबस में से टॉपिक वाइज वन डे टू डे हम आपके सामने वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। और ये जो आपका टॉपिक होगा, ये काफ़ी डेप्थ में हम कवर करेंगे। तो मींस आपको थ्योरी एग्जाम पर्पज़ से, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे, या फिर कंपिटेटिव एग्जाम, दोनों पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे लेक्चर डे बाय डे इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के फर्स्ट लेक्चर को। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, तो कंप्यूटर नेटवर्क के हम डिटेल डिफिनीशन में या उसके एग्जांपल में जाने से पहले, अगर हम एक आपके इरा की बात करें, जो सेंचुरी वाइज हम सेंचुरी वाइज कैटेगराइज किए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो टोटल हम नई इनोवेशन की बात करें या नई टूल्स टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसको हम कई इरा में कैटेगराइज किए हैं। जैसे 18th सेंचुरी में, जो 18th सेंचुरी की बात करें हम, तो 18th सेंचुरी टोटल फोकस था आपका मैकेनिकल सिस्टम पे। मतलब 18th सेंचुरी में बहुत सारे आपके इंडस्ट्री ओपन हुए थे, कुछ वहाँ पे मैकेनिकल प्रोडक्ट बन रहे थे, उस तरह से था, इसीलिए उसको कहा गया 18th सेंचुरी आपका मैकेनिकल सिस्टम इरा, मैकेनिकल सिस्टम का इरा है। सेकेंड, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी को हम स्टीम इंजन पे फोकस करते हैं, क्योंकि उस टाइम अगर हम देखें 19th सेंचुरी में, तो बहुत सारे ऐसे मशीन डेवलप्ड हुए थे या टूल्स डेवलप हुए थे, जो कि स्टीम सिस्टम पे, स्टीम इंजन पे काम करते थे, तो उसको हम 19th सेंचुरी मानते हैं कि स्टीम इंजन पे बेस्ड है। अगर हम 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी की बात करें, तो इस टाइम हमारा पास बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ कंप्यूटेशन, कुछ न कुछ कंप्यूटर सिस्टम का कंसेप्ट आ गया था। तो 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो इस टाइम इंफॉर्मेशन गैदरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन कीवर्ड की अगर हम बात करें, तो तीनों पे जो डेटा है, डेटा के इंफॉर्मेशन गैदर करना, मीन्स आपका डेटा को कलेक्ट करना, उस पर प्रोसेस करना, प्रोसेस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, या उसको डेटा को जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम यहाँ कब हुआ था 20th सेंचुरी में। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, टेलीफोन, रेडियो, TV, कंप्यूटर इंडस्ट्री, ये सारे कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुए थे। 20th सेंचुरी से मतलब है 1901 से लेके 2000 तक, तो ये सारे आपके कहे जाएंगे 20th सेंचुरी में। तो इस टाइम अगर देखें, तो हमारा इंटरनेट भी, WWW भी आ चुका था, टेलीफोन काफ़ी चेंज था, क्योंकि टेलीफोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस सेंचुरी में, रेडियो, जो आप रेडियो देखते होंगे वो भी था, टेलीविज़न और कंप्यूटर इंडस्ट्री, ये सारे थे, इसीलिए 20th सेंचुरी को हम इन सारे मेजर वर्क के नाम से जानते हैं। अगर 21st सेंचुरी की देखें, तो 21st सेंचुरी में सैटेलाइट, काफ़ी सारे सैटेलाइट लॉन्च हुए, जैसे आप 2001 से लेकर अभी तक देखो, या आगे भी अगर हम देखें, तो बहुत सारे सैटेलाइट और इंटरनेट, यहाँ पे भी इंटरनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ, जैसे कि 20th सेंचुरी में था, क्योंकि इंटरनेट 20th सेंचुरी के लास्ट में आया था, और वो अभी भी इंटरनेट क्या है आपके लिए काफ़ी यूज है। कहीं भी आप देखें, डे टू डे लाइफ में आपको इंटरनेट की यूज पड़ता ही पड़ता है। तो सैटेलाइट लॉन्च, इंटरनेट लॉन्च, या फिर ऐसे बहुत सारे अभी AI बेस्ड एप्लीकेशन होंगे, जो कि 21st सेंचुरी में आपके आ रहे हैं। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं देखें, तो किसका इन्वॉल्वेशन हो रहा है, कंप्यूटेशन सिस्टम का, जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं। तो यहाँ से दो कंसेप्ट निकल के आता है, कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये दोनों जो कंसेप्ट निकल के आए, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग का और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये 20th और 21st, इन दोनों सेंचुरी को ही लेके हम चले। मीन्स 20th के लास्ट में देखें, तो कंप्यूटर जनरेट हो चुका था, उस टाइम बहुत सारे कंप्यूटर इंडस्ट्री आ चुके थे, और 21st आज की डेट में भी चल रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये मेजर कंसेप्ट थे जो इस टाइम आ गए हैं। अब इन्हीं में हम डिटेल में बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कैसे आया, उस पर कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ हम वन बाई वन लेक्चर में कवर करेंगे। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी आया था, यहाँ भी कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क जो था, वहाँ पे हम कुछ एडिशनल
सॉफ्टवेयर या एडिशनल हम सिस्टम एक प्रोवाइड कर देते हैं जो कि एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का काम करता है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके डिटेल के बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क डिफिनीशन की। कंप्यूटर नेटवर्क की डिफिनीशन क्या हो सकता है? देखिए, कंप्यूटर सिस्टम तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होंगे प्लस उसके पेरिफेरल्स डिवाइस भी उसके साथ होंगे। कंप्यूटर सिस्टम एक ऑटोनोमस बॉडी अपने आप में है। अगर हम कई सारे बहुत सारे कंप्यूटर का हम कलेक्शन कर दें या उसको कंबाइन करके हम एक नेटवर्क में ऐड कर दें, जैसे किसी लिंक से, किसी वायर्ड या वायरलेस से हम लिंक कर दें, तो क्या हो जाता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क आपका क्रिएट हो जाता है। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ डेटा सेंड करना है या वहाँ से डेटा कुछ लेना है, वो भी हम कंप्यूटर नेटवर्क में कर सकते हैं। इन जनरल आपके कंप्यूटर लैब में, साइबर कैफे में कंप्यूटर नेटवर्क आपको देखने को मिलता होगा, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और किसी एक सिस्टम से हम चाहें दूसरे सिस्टम पर डेटा भेज भी सकते हैं, उस सिस्टम से डेटा हम ले भी सकते हैं, उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन देखें इसका, तो डिफिनेशन क्या कहता है, कंप्यूटर नेटवर्क रेफर टू कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड से ध्यान दीजिए, कीवर्ड है यहां पे ध्यान दीजिएगा, विच आर इंटरकनेक्टेड, मतलब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर तो है लेकिन सारे कंप्यूटर क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड किससे होंगे, या तो वायर होंगे या फिर वायरलेस, मतलब या तो केबल से होंगे या फिर वायरलेस, जैसे आज हम बात करें वाईफाई, ब्लूटूथ, इससे भी हो सकते हैं। एंड एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एमंग देमसेल्फ, जितने भी कंप्यूटर कलेक्शन हुए, जितने भी कनेक्टेड हुए, वो अपने में इंफॉर्मेशन भी शेयर करने के लिए या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए एबल होने चाहिए, जिसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो, मतलब दो कंप्यूटर सिस्टम है या पांच कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें आपस में इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। आने म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसका मतलब है कि जब हम एक सिस्टम दूसरे सिस्टम डेटा भेजेंगे या दूसरे सिस्टम से पहले सिस्टम किसी अदर सिस्टम पर डेटा लेंगे, तो वहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज नेटवर्क में पांच सिस्टम है और कोई एक सिस्टम वहाँ डिनाई कर दे कि हम डेटा नहीं लेना चाहते, तो फोर्सफुल्ली आप उसको सेंड नहीं कर सकते। तो इसी का डिफिनेशन देख सकते हैं फिर से एक बार, कंप्यूटर नेटवर्क रेफर टू कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड बाई वायर्ड और वायरलेस, एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एमंग देमसेल्फ ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट। एंड कंप्यूटर इन कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मैंने वही बात बोला कि जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स होंगे वो अपने आप में ऑटोनोमस होंगे, मींस उनका खुद का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी वगैरह या पेरिफेरल्स डिवाइस, सब कुछ उनका ऑटोनोमस होगा, वो अपने आप में इंडिविजुअल टोटली कंप्यूटर सिस्टम होंगे। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स ए लॉट ऑफ अदर डिवाइसेस आर आल्सो नीडेड सच एज स्विच, हब, राउटर, ब्रिज, कनेक्टर। जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे कंप्यूटर हम कंबाइन करेंगे तो उनको कनेक्शन करने के लिए आपके पास कुछ डिवाइसेस होने चाहिए, जैसे स्विच, हब, राउटर्स, ब्रिज, कनेक्टर्स, ये सारे होने चाहिए। इन सब को हम अपकमिंग लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, राउटर्स क्या होता है या ब्रिज क्या होता है, इन सबको हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। तो सीधी सी बात है कि कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे अदर डिवाइस का यूज होता है, जैसे आपका स्विच, हब, राउटर्स हो गया। और जो कंप्यूटर नेटवर्क बनता है उसमें जाहिर सी बात है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर सकते हैं, और वो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो करेंगे वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे हम करते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दो मेजर इनोवेशन है 20th और 21st सेंचुरी का। तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे लुकआउट करेंगे इसके डिफरेंस के साथ। डिफरेंस क्या होगा कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे, आप यहाँ पे हमने उसका डायग्राम भी बना रखा है जो आपको इजीली समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी फिलहाल आप समझिएगा, अगर ओवरव्यू की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क जनरली आप कंप्यूटर लैब में देखते होंगे, साइबर कैफे में देखते होंगे, वहाँ पे कई सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है, मतलब आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो कंप्यूटर की नेटवर्किंग वहाँ पे होती है लैब में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की हम बात करें तो जैसे हम इंटरनेट WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब WWW की बात करते हैं तो वहाँ पे एक इंटरनेट एडिशनल कंसेप्ट आ जाता है, एडिशनल एक
फीचर्स है जो कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर अगर हम अप्लीकेबल कर दें तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह काम करने लगता है। डिटेल में हम और इसको देखते हैं, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ईच कंप्यूटर एक कंप्यूटर नेटवर्क का है डिफरेंस, और इधर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में दे रखे हैं पॉइंट वाइज। तो पहले हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में, तो ईच कंप्यूटर हैज इट्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। सिंपली कहने का मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो होंगे वो अपने आप में उसका कुछ एग्जिस्ट करते होंगे, उनका कुछ ना कुछ लोकेशन होता होगा, वो ऑटोनोमस बॉडी अपने आप में होंगे। अगर हम यहाँ बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो ऑल कंप्यूटर आर लॉजिकली एज्यूम टू बी सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। अब समझिए, सपोज कीजिए कि आपके कंप्यूटर लैब में, या इस डायग्राम में समझिएगा, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर नेटवर्क का डायग्राम है, यहाँ आप देखिए चार कंप्यूटर हैं, चारों कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, वायर्ड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखें तो हर सिस्टम जो होगा अपने आप में इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है। अगर ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट करना चाहे तो डायरेक्टली इससे, इसके आईपी एड्रेस या इसके एड्रेस से कम्युनिकेट कर सकता है। ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट करना चाहे तो डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन जैसा कि यहाँ बोला, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऑल कंप्यूटर आर लॉजिकली एग्जिम टू बी सिंगल कोहरेंट सिस्टम, मतलब हर कंप्यूटर सिस्टम एक तरह से सिंगल कोहरेंट सिस्टम से है, कोहरेंट की तरह यूज हो रहा है। हम जैसे इस सिस्टम से, यहाँ से सपोज हम लॉगिन करना चाहें कि हम डायरेक्टली मुझे इस सिस्टम से बात करना है, तो अब इसके बीच में हम इस सिस्टम से बात कर रहे हैं या इसके बिहाफ पे किसी दूसरे सिस्टम पे बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिकली सारे एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम की तरह कॉल करते हैं। एग्जाम्पल तौर पर आप समझिएगा, जैसे सपोज करो कि हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो हम ब्राउजर पे जाते हैं, वहाँ सपोज डेटा डाउनलोड करना है, डेटा लेना है, तो जाहिर सी बात है वो डेटा कहीं ना कहीं सर्वर पे पड़ा होगा। अब हम उस डेटा को यूज़ करने के लिए वहाँ डाउनलोड करते हैं, लेकिन मुझे उस डेटा, वो एक्चुअल कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस मुझे उसका पता नहीं होता। तो इस तरह के सिस्टम क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब यहाँ पे एक कोहेरेंट सिस्टम काम कर रहा है जो उसको एक लॉजिकल सिंगल व्यू प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड, दीज आर कंप्यूटर नेटवर्क में सेकेंड पॉइंट, दीज आर कनेक्टेड बाय वायर्ड या वायरलेस। सिंपल सी बात है, जैसे वायर्ड या वायरलेस से कनेक्टेड होंगे, यहां भी वायर या वायरलेस से कनेक्टेड होंगे, लेकिन इन्हें सिंगल कोहेरेंट सिस्टम, मतलब उनका एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम होगा, सारे कहीं ना कहीं वही होंगे, एक लॉजिकल सिंगल सिस्टम की तरह आपको दिखेंगे वहां पे। आप उसमें डिस्टिंग्यूज नहीं कर सकते कि हाँ ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है, कि सिस्टम अलग है। प्लस इसमें और भी है, ये ओपन होता है, कभी भी कोई इसमें ऐड हो सकता है, कभी कोई इससे बाहर निकल सकता है, जैसे इंटरनेट में होता है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए तो आप उस कंप्यूटर नेटवर्क में आ गए, जैसे ही एग्जिट हुए उस कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर हो गए। थर्ड, इन कंप्यूटर नेटवर्क कोहेरेंस सिस्टम एंड मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर आर एब्सेंट। अब ध्यान दिए, भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस कंप्यूटर सिस्टम, जैसे आप देख रहे हैं नेटवर्किंग है, यहाँ पे एक तो कोहेरेंट सिस्टम मतलब कि ऐसा कोई लॉजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है जो आपको सिंगल व्यू प्रोवाइड करे, दूसरा कोई मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर नहीं यूज होता यहाँ पे, कि जैसे इसको सपोज करो इससे कम्युनिकेट करना है तो इनके बीच में कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा, इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो कोई भी मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोहेरेंस मॉडल तो प्रेजेंट होता ही होता है, प्लस मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पे www में हैं, आप वर्ल्ड वाइड वेब में, तो वहाँ पर देखते होंगे सपोज कि आपको किसी दूसरे सिस्टम को यूज़ करना है, जैसे गूगल को ओपन करना है, तो गूगल का सिस्टम ओपन, गूगल से मुझे रिक्वेस्ट रिस्पांस लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर, जिसको हम ब्राउजर कह सकते हैं, कि उसी के थ्रू हम वहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर नेटवर्क। एग्जाम्पल देखें तो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क यूज होता है FTP, टेलनेट, और यहाँ पे आपका वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट आप कह सकते हैं इसको। तो FTP और टेलनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कभी लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल में समझाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये जनरली ये सब क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं,
और भी प्रोटोकॉल्स होंगे जिसको हम आगे लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। समझने के लिए हम यहाँ बता दें, जैसे एफटीपी और टेलनेट का मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि फाइल ट्रांसफर, जनरली एफटीपी मीन्स होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स अगर सपोज करो कि इस सिस्टम को इस सिस्टम से फाइल ट्रांसफर करना है तो क्या करेगा, इस सिस्टम में लॉग इन करेगा और यहाँ पे सिस्टम भेज देगा, यहाँ से डेटा लेना है तो लॉग इन करके यहाँ से ले लेगा। ऐसे ही टेलनेट का भी यूज़ इसलिए होता है, जैसे हम रिमोटली किसी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, सपोज इस सिस्टम से इस सिस्टम मुझे यूज़ करना था, हम यहाँ लॉग इन कर लेंगे और यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम इंडिविजुअल किसी सिस्टम पर लॉग इन नहीं कर सकते क्योंकि सारे सिस्टम, जिस सिस्टम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इसके अलावा सारे सिस्टम जो हैं, जो भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वो एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम की तरह यूज़ होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। होप सो आपको बेसिक आइडिया कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, जो कंप्यूटर नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ आपको हार्डवेयर कुछ सॉफ्टवेयर का यूज होता है, उसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे अपकमिंग लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।